नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल एस जे थ्री डेज में। आइए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आज देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। फ्रेंड्स, आप चेक कर सकोगे कि बैंक निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपन किया, यानी हमने जो कल लेवल मार्क किए थे फुट साइड में, वो एक ही कैंडल में सब अचीव हो गए। और मैंने आपको बोला था कि अगर हमारा ये फ्लैट जोन है, इस फ्लैट जोन में ओपन होता है और उसके बाद में डाउन की साइड में ब्रेक करेगा 37,650, तो मैंने आपको दो टारगेट दिए थे 37,480 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 37,300, लेकिन उसने आज हमें मौका ही नहीं दिया गैप डाउन ओपन होके। चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, फ्लैट जोन ड्रॉ कर लेते हैं कल के लिए। फ्रेंड्स, कल के लिए मैंने फ्लैट जोन ड्रॉ किया है, कौन सा वाला, ये वाला। अगर कल बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है और 37,300 को ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन के साइड में 37,150 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 37,000। और अपसाइड में अगर बैंक निफ्टी 37,520 ब्रेक करेगी तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 37,650 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 37,900। अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होती है कहाँ पे, 37,150 पे या इस लेवल पे या फिर 37,000 पे, तो हम वहाँ पे थोड़ा टाइम पे वेट करेंगे। और वहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और हमारा प्राइस एक्शन को ब्रेक करेगी अपसाइड में, तो हम कॉल बाई कर सकते हैं, लेकिन हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा 30 से 40 मिनट तक। सेम वैसे ही अगर ज़्यादा अपसाइड पे ओपन होती है बैंक निफ्टी 37,600 या 37,050, और अगर वहाँ पे प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है या रेड कैंडल बनती है 2-5 मिनट की, और अगर उसको उसके लो को ब्रेक करेगी, तो हम पुट बाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं निफ्टी ने आज क्या किया। जैसे कि हमने निफ्टी के बारे में बोला था आपको, 70,180 से लेके 70,250 में ओपन होती है और उसके बाद वो 70,180 ब्रेक करेगी, तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 70,130 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 70,080, लेकिन आज उसका ओपनिंग ही हुआ 60,890 पे, तो हमें आज चांस ही नहीं मिला ट्रेड करने का। चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, फ्लैट जोन हम जो ड्रॉ करते हैं वो आज फिर से ड्रॉ कर लेते हैं नया। कल के लिए हमारा फ्लैट जोन रहेगा फ्रेंड्स ये वाला। अगर इस जोन में ओपन होती है और उसके बाद डाउन की साइड में 70,050 ब्रेक करेगी निफ्टी, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 70,000 और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में उसका 16,900। और अगर ऊपर की साइड में देखते हैं 70,150 ब्रेक करेगी फ्लैट ओपन होने के बाद, तो उसका पहला टारगेट आएगा उसका 70,200 पकड़ लो, और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 70,250। ये आया हमारा 70,200, दूसरा आया हमारा 70,250। इसको मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। अभी मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही है उसके बेस पे ही अभी मार्केट चल रहा है,
तो जैसे जैसे न्यूज़ आएगी वैसे वैसे मार्केट अप डाउन होता रहेगा। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो डाउन साइड जाएगा। तो हमें अभी संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, ये मैंने लेवल ड्रॉ कर लिए फ्रेंड्स, कल के लिए ये लेवल रहेगा हमारा। अभी इस ट्रेंड लाइन का कुछ काम नहीं है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। हो सकता है कल यहाँ पे आके फिर से डाउन की साइड में आ सकता है रेजिस्टेंस लेके। ओके, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं हम एक बार। बैंक निफ्टी का प्राइस डबल मैंने लगाया नहीं, लगा लेता हूँ अभी। 70,150 आएगा गुड साइड में फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 70,000 आएगा। और अप साइड में मैंने आपको बोला है 70,520 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 650, दूसरा टारगेट आएगा हमारा 70,900। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज से ही बनाता हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।